चलिए अब खबर फतेहाबाद से, जहां पर सतलुज पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हवन यज्ञ किया, जिसमें पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक के बच्चों ने हवन में आहुति देकर भगवान का आशीर्वाद लिया। वहीं कक्षा छठी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने हवन यज्ञ के बाद जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारे में प्रसाद का लंगर लगाकर सौभाग्य के भागी बने। आचार्य चित्रमोहन शास्त्री और मदन लाल ने बच्चों को धार्मिक संदेश देते हुए कहा कि हमें इस हवन में अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाई की ओर अग्रसर होना चाहिए, साथ ही समाज सुधारक का कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी श्री रमन कुमार राणा ने कहा कि हमारा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक ज्ञान देना लक्ष्य है, जिससे बच्चा एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है। स्कूल के प्राचार्य रश्मि बजाज ने कहा कि प्रत्येक कार्य को शुरू करने से पहले हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, जिससे कार्य पूर्ण और अच्छा होता है। और सभी अभिभावकों की का यह कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के अंदर आस्तिक भावना पैदा करें। Thank you.